हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंडलाइन स्टॉक्स। देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने आज अपने Q4 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 के रिजल्ट्स पोस्ट करे हैं, यानी कि 22 मई 2021 को। अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में बताऊं तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंपनी एसी के कॉम्पोनेंट्स बनाती है। और आप समझिए कि देखिए, इनके जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर हिंदुस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज हैं। चाहे आप करियर का एसी यूज करते हैं, चाहे आप एलजी का एसी यूज करते हैं, डाइकिन, हिटैची, गोदरेज, और आप समझिए कि मतलब इतना बड़ा पोर्टफोलियो है इनका कि जितनी भी मैकेनिकल वाली कंपनीज हैं वो ज्यादातर कंपोनेंट्स एसी के लिए इसी कंपनी से खरीदती है। अब ये सिर्फ एसी के पार्ट ही नहीं बनाती, देखिए एसी के अंदर जो बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स हैं, मोल्डिंग पार्ट्स हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट्स हैं, वो तो बनाती है, साथ ही में नॉन आरएसी पार्ट्स भी ये बनाती है, मतलब नॉन एसी कंपोनेंट्स भी ये कंपनी बनाती है, जो देखिए शीट मेटल फैब्रिकेशन के अंदर आते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स को, यानी कि देखिए जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको, एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको, अलग अलग सेक्टर्स को ये कंपनी बेसिकली कैटर करती है। ऑल ओवर अगर बिजनेस प्रोफाइल देखे तो बहुत ही शानदार बिजनेस प्रोफाइल है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर इसके ब्रीफ फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो 10,126 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 3,005 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है, बुक वैल्यू है 446 रुपए की, स्टॉक का पी 147 के मल्टीपल पर इस वक्त है, आरओसी की बात करेंगे 17% से ज्यादा और आरओई की बात करेंगे 15% से ज्यादा, फेस वैल्यू अभी 10 रुपए है इस कंपनी की। इंडस्ट्री के पी की बात करें 33.6 के मल्टीपल पर है, यानी कि यह स्टॉक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है अगर आप पीई मल्टीपल के हिसाब से देखते हैं। कंपनी तकरीबन अगर 2,750 करोड़ की सेल्स करती है तो 69 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट भी दिखाती है। कंपनी के ऊपर डेट है 434 करोड़ के आसपास का, 40.3% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है जो कि प्लेज बिल्कुल भी नहीं है उसमें से। उसके बाद की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 5 सालों में 26.4% की स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ है, रिटर्न ऑन एसेट्स 11.4% है, ईवी एबिटा बहुत ज्यादा 50.0 का है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है 0.29 के आसपास, नेट कैश फ्लो की बात करेंगे 31.2 करोड़ का है। देखिए रिजल्ट्स इनके आए हैं अभी और अगर आप रिजल्ट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो वहां पर भी नेट कैश फ्लो बहुत अच्छी तरीके से उभरता हुआ दिखाई दिया है। मैं आपको देखिए इनके रिजल्ट्स दिखाता हूं, यहां पर काफी छोटी डिजिट्स के अंदर यहां पर रिजल्ट्स पेश करे हैं इन्होंने, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छी तरह से यहां पर दिखाई देगा। तो हम लोग देखिए क्वार्टरली अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यूज में बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिला है। आप देखिए इनके रेवेन्यू मार्च 2021 के क्वार्टर में 1,598 करोड़ के हो गए हैं, जो बीते क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में मात्र 764 करोड़ ही थे। आप देखिए ये लगभग रेवेन्यू इन्होंने डबल कर लिया है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ही, और एक साल पहले की बात करेंगे तो 1,315 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, यानी कि सिक्वेंशियली एज वेल एज ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इफ यू कंपेयर देन यू विल फाइंड कि रेवेन्यूज के अंदर काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए रेवेन्यू तो यहां पर डबल हो गए हैं, इसका इंपैक्ट क्या कुछ आता हुआ दिखाई दिया प्रॉफिट में वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि यहां पर एक चीज और है, एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 1,325 करोड़ के मटेरियल्स कंज्यूम हुए हैं इस कंपनी के द्वारा, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र लगभग 700 करोड़ ही थे। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर किस तरीके से इंपैक्ट डालती है वो हमें देखना होगा। तो देखिए यहां पर अप्रोक्सीमेटली 77 करोड़ यानी कि 77 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को इस पूरे क्वार्टर के दौरान, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 28 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 62 करोड़ था। तो सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 250 से 300% का इजाफा आपको दिखाई देगा, जबकि अगर आप ईयरली देखते हैं तो वहां से भी काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 62 करोड़ से और 77 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहुंच गया है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा देता हूं, यहां पर इनका नेट कैश फ्लो कितना रहा है, नेट कैश फ्लो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां अगर आप देखेंगे नेट कैश फ्लो के अंदर क्या कुछ इन्होंने बेसिकली चेंजेस करे हैं बीते एक साल के अंदर, तो ये देखिए ये है इनका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और यहां पर अगर मैं देखिए इस पेज के लास्ट में आपको लेके चलता हूं कंपनी के पास में अभी कितना कैश बचा हुआ है सारी एक्टिविटीज को करने के बाद,
जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज है एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, वो सारी चीज करने के बाद में कंपनी के पास में इस वक्त की अगर आप बात करें तो ये तकरीबन 180 करोड़ रुपए का यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर। जबकि पिछले साल 2020 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 70 करोड़ का ही कैश था। तो बहुत तेजी के साथ में इन्होंने अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बढ़ाया है। ये अपने आप में देखिए एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या कुछ यहां पर रहा है देखिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए एनएससी के ऊपर 3024.50 रुपए का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, अप्रोक्सीमेटली 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली है आपको, और 3662 रुपए का 52 वीक हाई जो 5 मार्च 2021 को इसने लगाया था। 1120 रुपए का प्राइस था 20 मई 2020 को यानी कि एक साल पहले, और वहां से तकरीबन ये 3.5 गुना तक पहुंचा है अगर आप 52 वीक हाई इसका देखेंगे। अच्छा चौंकाने वाली बात क्या, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस अगर आप देखें 65% से ज्यादा की यहां पर परसेंटेज डिलीवरी आई है। तो मार्केट को अंदेशा था कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसीलिए यहां पर कैरी फॉरवर्ड की गई है पोजीशंस जो बनाई गई थी कल के ट्रेडिंग सेशंस में। आप देखिए पीक इसने लगाया था मार्च में जो हमने अभी देखा, उसके बाद लगातार इसके अंदर गिरावट बनी रही, फिर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया और काफी दिनों तक कंसोलिडेट होता रहा 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। ये देखिए पूरा एरिया कंसोलिडेशन का था लेकिन फिर वीकनेस बनी, लेकिन इस बार इसको 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने थाम लिया, यानी कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार एक रिवर्सल आप देख सकते हैं, कंसोलिडेशन का मोड जो यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं अंबर एंटरप्राइजेस में। आरएसआई भी इसका पीक पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई देगी और इसके हिसाब से इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी बनने का अनुमान है। साथ ही में देखिए क्योंकि रिजल्ट्स का अच्छा आना एक सपोर्ट होता है स्टॉक प्राइस को, यहां से वो भी इसको आगे की तरफ ले जाने के लिए मदद करता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक के अंदर देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनाते हैं तो ये स्टॉक बहुत बड़े लेवल्स आपको दिखा सकता है। जिस तरीके से कंपनी की प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई कि देखिए जो एसी आप घर में लेके आते हैं, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे वो स्प्लिट एसी हो, इनफैक्ट आप रेलवेज के अंदर देखिए, रेलवेज एंड मेट्रो के अंदर जो रूफ टॉप एसीज लगते हैं वो भी उस एसी के कॉम्पोनेंट भी यही कंपनी बनाती है। तो इनके पास में काम की कमी नहीं है, इनके पास में इतना बड़ा फील्ड है। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से एसी का जो मार्केट है वो बहुत वाइड स्प्रेड मार्केट है। इतनी कंपनीज आने के बावजूद भी सभी कंपनीज बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रही हैं। हालांकि अगर पिछले 2 साल से देखें यानी कि ये सीजन और लास्ट ईयर का सीजन देखें तो वहां पर जरूर जो सेल्स है वो वाइप आउट होती भी दिखाई दे रही है कोविड 19 की वजह से, लेकिन जैसे ये चीज नॉर्मल बैक टू होगी हर साल का जो एक पर्टिकुलर टारगेट है उससे कहीं गुना ज्यादा कंपनी अचीव करके दिखाती है। तो ऑल ओवर आपको टाइम देना ऐसी कंपनी के साथ में। और ये देखिए लगभग 3700 रुपए के लेवल से गिर के यहां पर 3000 रुपए के लेवल्स पर आया, तो काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर ये आपको मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस आपको बनानी चाहिए। हालांकि देखिए नियर फ्यूचर में ये काफी अच्छे जंप्स यहां से दिखा सकता है, यानी कि मैं समझता हूं 3300 रुपीज तक के टारगेट इसके अंदर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको यहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर आपको 4000 प्लस का टारगेट लेके एटलीस्ट 1 साल का समय इसको देना चाहिए, काफी अच्छे रिटर्न्स ये लाके देगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने ट्रेंडलाइनस्टॉक्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे अपनी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।